अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ आयशा असलम एंड आई एम गोइंग टू बी योर होस्ट फॉर टुडे सेशन डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। टू डिस्कस दिस वी हैव टू ऑनरेबल गेस्ट हियर, मिस्टर गौहर पीरज़ादा सीईओ स्वेप एंड एसएसडीएफ चेयरपर्सन फ्रॉम एकेडेमिया साइड, एंड मिस्टर दानियाल नईम सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ mefl.co, और ये हमारे साथ बात करेंगे इंडस्ट्री के हवाले से। But before moving further, I would like to introduce my co-host, Mr. Hamza Waseem. Assalamu alaikum, Hamza. Walaikum salam, Aisha. Walaikum salam, guest speakers. I'm Hamza Waseem. I'm the program manager for the Faculty of Business at STEP. So basically, मैं भी co-host हूँ इस session का, और मैं आपके साथ इसी session में discussion करूँगा, Q&A करूँगा। तो ठीक है, आयशा आप कुछ कह रही थी? जी हमजा, आप हमें कुछ बता रहे थे कि बीबीए के और बाकी स्टूडेंट्स के लिए आईएसी के बारे में, इंडस्ट्री एडवाइजरी काउंसिल के बारे में, इसका क्या एक तो पर्पस है और दूसरा स्टेप इसको कब से लेके चल रहा है? जी मैं बताता हूँ। बेसिकली इंडस्ट्री एडवाइजरी काउंसिल वाज इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय स्टेप, which was basic, which objective was to facilitate between the academia and the industry on placement, on research, and on upgradation of skills of the students. And we have been doing this for a lot of time. और हमारा जो purpose है ना इसका, वो यही था कि जो problems है ना, जो gaps हैं, उनको हम खत्म करें। You mean to say कि ये एक gap को fill करता है industry और institute के दरमियान में, तो हम आप बताते हैं कि ये step इसमें कैसे fill कर रहा है gap को industry को और institute को? अच्छा, step वैसे तो gaps को fill करता है by doing research, by working with industry, और ये जो आज हमारा session है इसका purpose ये है कि हमने इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना है, क्योंकि जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे until we don't know what is the problem, we cannot find a solution. तो ये जो आज का सेशन है, which is on digital entrepreneurship, that this is a new field, और इसमें इसके बारे में किसी को अवेयरनेस नहीं है, और उसी चीज़ के बारे में हम बताना चाह रहे हैं और बीबीए के स्टूडेंट्स को, फ्यूचर स्टूडेंट्स को, और इवन एम्प्लॉयर्स जिनको अभी तक इन चीज़ का नहीं पता। Okay, now I would like to introduce our today's guest, Mr. Gohar Pirzada. Assalamu alaikum, Mr. Gohar Pirzada. आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, can you hear me? आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, yes, yes. Thank you for having me. Pleasure to have you, sir, over here. Thank you. Our next guest, Mr. Dhaniyal Naim. Assalamu alaikum, Dhaniyal. Wa alaikum salam. Humbled to be at the panel with you guys. Thanks for being here, Dhaniyal. Now over to Mr. Hamza. अच्छा सर, जिस तरह आपको पता है कि दिस सेशन इज बेसिकली ऑन अ टॉपिक दैट इज डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। दिस इज वन ऑफ द न्यू फील्ड्स व्हिच इन्वॉल्व्स न्यू टेक्नोलॉजीज दैट आर बीइंग इंक्लूडेड इन डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, और इसके ऊपर मैं क्यों क्वेश्चन एंड आंसर्स क्वेश्चंस करना चाहता हूं आप सबके साथ। मैं आप सबके साथ इसके ऊपर क्वेश्चंस करना चाहता हूं, और मेरा पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है कि सर दानियाल के लिए, आपके लिए, कि व्हाट इज डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, इसके बारे में आपकी क्या राय है? बेसिकली जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस, ओवर द इयर्स डिजिटल मार्केटिंग हैज बिकम एन इंडिविजुअल एंटिटी। प्रीवियसली सॉफ्टवेयर हाउसेस सेपरेटली काम कर रहे थे, ठीक है, मार्केटिंग एजेंसीज वर वर्किंग इन, दे हैड एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, एंड तो एज मतलब टेक्नोलॉजी ग्रू, वी हैव विटनेस्ड इन आवर लाइफ टाइम्स कि बड़ी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। नोकिया हु विच वॉज कंसिडर्ड एज अ मार्केट लीडर इज, यू नो, मेरा ख्याल सबसे पीछे है इस वक्त व्हेन इट कम्स टू स्मार्टफोन्स। तो इस डिजिटल रेवोल्यूशन ने ह्यूमन बिहेवियर्स को रिफॉर्म किया। So at this point, creative agencies are converting into digital agencies. Digital agencies are offering services which were previously linked to IT,
and IT software houses are now offering services जो marketing की होती थी in the past. So ये सारे areas आपस में इनके बीच में पहले thin line थी वो हट गई है, वो barrier is now removed. So all the credits to the technology and internet revolution. कि पहले आप news के लिए you were only connected to the newspaper or the electronic media, but now everything is in your palm of your hands. Even आप news, आप entertainment, आप social networking, everything is happening here. तो इसीलिए marketers अब इसको use कर रहे हैं to achieve their goals, to deliver their message to their consumers or potential customers. So this is the summary. अब entrepreneurship ये होगी कि आप इसमें से कोई certain skill acquire करके और उसको you start selling it in the market, जिसको वो चाहिए. If you talk about digital marketing, uska subset hai social media marketing. Digital marketing ka, there is another subset of it. SEO, web app development, mobile applications development, ya websites ki creation, design and development, search engine optimization, search engine management, pay-per-click, Google AdWords, etc. Content creation. Previously, content creation was, you know, done by the creative side, the creative agencies. अब ये डिजिटल एजेंसीज की टेरिटरी भी बन गई है. तो इसलिए whoever wants to enter in this ocean obviously has to acquire a certain skill before, you know, offering it to the customers. जो भी वो स्किल एक्वायर करेगा, एवरी जस्ट लाइक एवरी अदर बिजनेस, क्योंकि here we are not dealing with tangible goods, हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, ये सर्विसेज रेंडर हो रही है, जस्ट लाइक कंसल्टेंसी, जस्ट लाइक एकेडमिक्स, जस्ट लाइक a financial institute, bank, जिस तरह से अपनी services render करते हैं, healthcare services होती हैं, तो इस तरह it's a service, और जो knowledge और skill driven है, कि आप you acquire a certain knowledge और फिर आप उसको you sell it, either वो individual capacity में हो सकता है, उसको freelancing कहेंगे, अगर वो as a company capacity में होगा, तो we'll call it as a business dealing with the business, इस तरह से होगा. अच्छा अच्छा So that means that okay, basically there's a lot of modification in the industry right now. Upgradation bhi ho rahi hai, merge bhi ho rahi hai, new fields bhi aa rahi hai. So my same question is for Sir Gohar, as part of the academia, ki sir aapki kya raaye hai is cheez ke bare mein? I think Daniel ne bada acha explain kiya, unhone aapko mera answer thoda sa I will tend to be a little different. उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ जॉब्स आर देयर, व्हाट सॉर्ट ऑफ फंक्शंस, व्हाट सॉर्ट ऑफ टास्क्स आर टू बी परफॉर्म्ड. देखिए डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, आप इसको यू कैन टेक इट इन द वे दैट व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योरशिप, एनी फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो आप ऑनलाइन कर रहे हैं, जो आप डिजिटल मीन्स के थ्रू कर रहे हैं, वुड बी डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप. एंड व्हेन वी स्टडी एंटरप्रेन्योरशिप, वी हैव टू बी श्योर दैट एन एंटरप्रेन्योर इज समवन हु हैज द गट्स एंड करेज to take risk, to take up an initiative, ek intervention kar sake jo ek identify kare pehle apne jo bhi uska uske paas jo business formula hai ya business idea hai uske liye apni base ko identify kar sake ki kya wo acceptable hoga, would it be worth doing it or not, puri calculation kare, pure business plan planning apni puri kare, aur phir sabse important ye hai ki wo kuch creative element tap kare. It has to be something that that is creative, that the entrepreneur believes ke pehle nahi ho raha, unprecedented ho, something of innovation, something of creativity. To agar wo sab cheeze ye sare functions wo online business mode mein kar sakte hain, to wo digital entrepreneurship kehlayenge. So yes, I would totally agree with Daniel. A lot of things are changing. Business organizations ka jo pura layout hai, jo pura face hai, wo badal raha hai. डायरेक्शंस बदल रही हैं, काम करने के जो नीड्स है वो चेंज हो रहे हैं, और जब आप ऑनलाइन पे देखते हैं तो फिर इट्स ऑल टुगेदर अ न्यू, एब्सोल्युटली न्यू वर्ल्ड. सो द यूजुअल आपको कंस्ट्रेंट्स होते हैं, यू आर सेलिंग क्लोथ फॉर एग्जांपल, नाउ टू सेल द क्लोथ यू नीड टू हैव अ बुद्धी, एक नॉर्मल कन्वेंशनल फेस टू फेस जो हमारा बिजनेस मोड है उसमें, एंड दीज आर एक्सपेंसिव थिंग्स. तो वो सब चीजें ऑनलाइन में ये सब चीजें eradicate ho gaye hain, ya bahut sare jo constraints hain. So if you have the idea, if you have the creative thoughts, you have the creative designs, you don't need to have a very expensive place or a boutique or somewhere jahan pe aap kar sakte hain, sell it online. So it has ease
दोनों एंड से, बायर के एंड से भी और सेलर के एंड से भी, दोनों चीजों में काफी फर्क है. फ्रॉम द बायर पर्सपेक्टिव, यू डोंट हैव टाइम नाउ टू, अभी तो खैर आजकल तो वी हैव दिस कोरोना की वजह से वी कांट गो आउट दैट इजीली. अदरवाइज भी वी डोंट हैव दैट टाइम टू गो इन द मार्केट्स एंड स्पेंड सो मच टाइम ओवर देयर. So you could do it online. So it has actually made a lot of conveniences both for the buyer and the seller. So this is the reason. This is something which is acceptable, which is very, very acceptable throughout the world. Thank you, sir. That was a very good, basically conceptual. Even looking at the current pandemic situation right now, so ये हमें नजर भी आ रहा है. So sir, the second question is from Aisha. Aisha, will you continue? थैंक यू हमजा. मेरा क्वेश्चन है दानियल, इंडस्ट्री के लिए कि क्या स्कोप है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का? बेसिकली द स्कोप आई थिंक इज एक्सट्रीमली ब्रॉड. इवन अंडर द करंट सर्कमस्टेंसेस, जब इतने लेऑफ्स हो रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की आउटलेट्स बंद होना शुरू हो गई हैं ग्लोबली, और वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमीज क्रैश कर रही हैं, तो जो मैंने सबसे ज़्यादा जॉब एड्स देखे हैं वो आइदर डिजिटल से लिंक थे. ई कॉमर्स मैनेजर्स की हायरिंग्स हो रही थी, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की एग्रेसिव हायरिंग्स हो रही थी. ये जॉब मार्केट है. इसके पैरेलल मैंने आई हैव नेवर सीन सो मैनी स्टार्टअप्स कमिंग इनटू द मार्केट दीस डेज. जिसमें ऑर्गेनिक रहे हैं, हनी जैम्स, small startups, everybody, you know, is in me jo bhi idea tha this rated stand to their own business. To usme dekhen jo to someone who has limited knowledge of digital marketing, what he'll do, he'll either hire the technical persons in the capacity of an employee, ya wo services outsource kar dega to a professional. इसकी डिमांड, एवरी बिजनेस इज डिपेंडेंट ओवर इट राइट नाउ. इस वक्त इसका स्कोप बहुत ब्रॉड है, स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी, जॉब मार्केट में भी और बिजनेस एंड से भी. आपने कोई भी बिजनेस करना है और आपके पास ये स्किल्स हैं जो मैंने अभी पिछली अपनी क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में बोली थी, इफ योर आइडिया इज गुड, आप ऐसे समझें यू हैव ऑल द टेक्निकल स्किल्स टू पुश इट इनटू द मार्केट, अगर इफ यू हैव दीज स्किल्स. और अगर आपने उन्हीं स्किल्स से जॉब लेनी है तो एवरी ब्रांड has an opportunity for you. Right, हम इसको ये भी कह सकते हैं एक न्यू मार्केट जनरेट हुई है ये पेंडेमिक में और डिजिटल मार्केट. तो थैंक यू दानियल. सर गौहर, अगर आप इसके बारे में बताएं एकेडेमिया से क्या इसका लिंक है? जैसे अभी दानियल ने कहा है, देखें एकेडेमिक्स का काम क्या होता है, दे आर देयर टू फुलफिल द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द इंडस्ट्री. सो मेरा तो बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि जितने हायर एजुकेशन में खासतौर पर जितने इंस्टीट्यूट्स हैं उनके कस्टमर ही इंडस्ट्री में. सो दे गॉट टू सी व्हाट द इंडस्ट्री इज लुकिंग फॉर. सो अगर इंडस्ट्री में भी रिक्वायरमेंट है पीपल हु नो एंड हु हैव द स्किल्स टू डू डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन बिजनेस ऑपरेशंस, दैट इज देयर फॉर अस, दैट मींस देयर इज स्कोप. But if industry doesn't need those people, then there is scope obviously nahi hai. Interestingly, over the last few years, I was reading this paper, jisme South Asia ki main baat kar raha hu. I'm not talking about the West or the US, jo giants hain sab cheezon mein. Countries like India, Sri Lanka, Bangladesh, in sab ne trend to change hua hai MBAs ke liye, BBAs ke liye, business ki koi bhi education ke liye. पिछले 10 साल में पहले होता ये था कि दे वुड सजेस्ट दी वंस जो उनके क्रीम कहते हैं आप स्टूडेंट्स को, जो हाई परफॉर्मर्स हैं, कि उनको तैयार करते थे मल्टीनेशनल्स के लिए, जॉब्स के लिए. एंड देन देयर वाज दिस इन द मीडियोकर लोअर एंड के जो स्टूडेंट्स, उनको इनकरेज किया जाता था कि आप यू कैन डू योर ओन वर्क वेदर ऑनलाइन या अदरवाइज. अब ट्रेंड जो चेंज अब जो हो रहा है वो ये कि अब जो हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं उनको एक तो उनकी अपनी अवेयरनेस बहुत होती है, they are very well informed, they know what is the scope and kis cheez mein kitna margin hai unke liye, aur institutes bhi encourage karte hain unko ki wo entrepreneurship ko ek area apna select kare for their career. So things are changing, trends are changing, bahut cheeze badal rahi hain. Aur aaj ke, aur mujhe apne experience pe, when I teach young people,
मेरा एक्सपीरियंस ये है कि दे वेरी क्रिएटिव, दे आर हाईली क्रिएटिव पीपल, दे हैव अ लॉट ऑफ ड्राइव, वेरी एनर्जेटिक, दे नो हाउ टू टेक अप अ डिसीजन एंड हाउ टू कोप अप विद दैट पूरे उसके साथ. तो वो उनको सिर्फ थोड़ी सी डायरेक्शन अगर सही मिले, आई बिलीव दे कुड डू अ लॉट वेल. और इसका स्कोप जैसे अगर इंडस्ट्री में डिमांड है और इंडस्ट्री के अलावा आप अपना काम खुद कर सकते हैं. एक तो ये कि यू प्रिपेयर योरसेल्फ टू परफॉर्म फॉर इंडस्ट्री टू डू सर्टेन थिंग्स जो ऑनलाइन होते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपको आते हैं, काम करना आता हो, जो भी दानियाल बता रहे हैं. बट ऑन बिसाइड एवरीथिंग वो अपना खुद से भी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे लोकल मार्केट के, पाकिस्तान के एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे, जहाँ पे स्टूडेंट्स ने अपने काम स्टार्ट किए, ग्रुप में किया, इंडिविजुअल किया, ऑनलाइन किया. They've been very successful. They're earning. They're really earning a lot. So that's the whole idea. Yani ke within a limited resources, isme digital market jo entrepreneurship hai, usme bahut zyada aap successful bhi ho sakte hain aur bahut zyada aapko fayda bhi ho sakta hai. Lekin resources jo hai na, wo ek element tha jo aaj se shayad 10 saal pehle aap keh sakte the, 5 saal pehle bhi kisi had tak ke I don't have resources so I can't do anything. अब अगर आपके पास आइडिया है एंड इफ यू रियली नो द इनसाइट ऑफ एग्जीक्यूटिंग द आइडिया एंड यू नीड टू हैव अ विल ऑफ डूइंग इट, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के बगैर भी हो रही हैं और बहुत अच्छी हो रही है. थैंक यू. Thank you very much. Achha, I have one question, a very good question for Sir Daniel from the industry side. What do you call yourself, a digital entrepreneur or a digital innovator? Because ye invent ho rahi hai na cheeze aise aise, so what do you call yourself and what is the your perception on that? This is a very good question. At this point of my career, we've been working in the industry since 10 years, jisme se the agency that we are running is operational since 2011. At this point of my career, I would call myself as a digital entrepreneur, not as an innovator, because we haven't developed a new problem-solving product at this point. We are working on an idea as we speak, but it's not ready as yet. And unless or until it's not successful, we can't call ourselves as an innovator. Isra, Uber, Kareem, Zameen.com, all of these IT or any products, we call them IT products. So they were always, you know, the idea behind them was to solve a problem. Sorry. Unhone ek problem solve ki and us pe users aaye, matlab they were flooded with users, ye sari applications. I would call the founders of those companies as a digital innovators. We in an agency capacity at this point of our career, we haven't developed such a product as we speak. So ye do different paths hain students ke liye. एक तो ऑब्वियसली अगर वो अपना कोई स्टार्टअप प्लान करते हैं, एक वो टेक्निकल स्किल लेके वो सर्विस सेल करते हैं, थर्डली वो जॉब करते हैं उस स्किल के साथ, फोर्थ हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट आईटी रिलेटेड या कुड बी एनी प्रोडक्ट वो बनाते हैं और फिर अगेन उसका करियर पाथ इज एंटायरली डिफरेंट. उसको बनाना इज वन थिंग, टू मेक इट सक्सेसफुल फॉर दैट यू हैव टू कोलैबोरेट. उसके लिए इनक्यूबेटर्स हैं, उसके लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट्स हैं, वो फंड करते हैं ऐसे स्टार्टअप्स को, क्योंकि उसको स्केल अप करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ फंडिंग. प्रोडक्ट बना तो लोग लेते हैं कोई स्मॉल प्रोडक्ट्स, बट बहुत सारी उसको जो उसका स्केलिंग टाइम होता है, लेट्स से एक स्टार्टअप को 4 साल लग गए, तब तक वो ट्रेंडी कंज्यूमर का चेंज हो गया, तो टाइम इज वेरी शॉर्ट एट टाइम्स. आई होप आई एम एबल टू डिफरेंशिएट द टू. Things that you asked. Yes, sir. That's quite a detailed differentiation between both of them. Basically, for innovation, you need a new technology that is being innovated, or then you need funding for that. And for a digital entrepreneur or someone who uses the tools that they have developed or they have licensed from them, and unko use karke apna business chalana, or business mein not just selling the products, selling your services. ये बेसिकली चीज मुझे अभी तक समझ आई है. बोथ यस, बोथ ऑफ देम. ओके सर, सेम क्वेश्चन फॉर फॉर सर गौर इज फ्रॉम द एकेडेमिया साइड. डू सिंस सर दानियल सेड कि देयर
digital entrepreneurs. They are not digital innovators. So how can we motivate the students, and how can we aware the students on this, that they can achieve something by using these tools and achieving their objective in becoming an entrepreneur? Again, I would answer it in a way. Sabse pehle to we need to be very clear in the difference between innovation and invention. Ye hame clear hona zaruri hai. Invention is something that you do it for the first time. And innovation means you continue to improve that product over time. Jaise koi aap kisi ek product ko le le, phone hai. Phone ke aap, I mean, who invented the phone? Hum innovate nahi kehte. Jab hum kehte hain ki Graham Bell, usne innovate nahi kiya, usne invent kiya. So the thing was created for the first time. But over the period of time, हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, ये सारे inventions नहीं हैं, ये innovations हैं. So, जो चीज भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और आप उसके अंदर कोई भी फीचर ऐड करते हैं, कोई भी, कुड बी एनी स्मॉल लिटिल फीचर, जरूरी नहीं कि बहुत ब्रेक थ्रू कोई आइडिया हो और किसी से कोई, यू नीड टू हैव अ सर्टिफिकेट फ्रॉम सम बॉडी कि दिस इज प्रॉपर इनोवेशन और नॉट. दैट इज बेसिकली कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट. इनोवेशन मींस कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट. सो यू कंटिन्यू टू इंप्रूव द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, यू ट्राई टू फर्दर कीप ऑन एसोसिएटिंग वैल्यू. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी चीज में आप वैल्यू कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, और मुझे लगता है आज के टाइम में ये क्वेश्चन बहुत वैलिड है आपका एकेडमिक पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैंने जो देखा है यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में भी और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी, वो ये कि वो वैल्यू एसोसिएशन के ऊपर बहुत फोकस नहीं करते. हम लोगों का एक माइंडसेट अब बहुत बदल भी रहा है वैसे चीजें, इट्स नॉट वी कांट जनरलाइज दैट, लेकिन बाय एंड लार्ज मैंने ये देखा कि जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि वन अबाउट प्रोड्यूसिंग द सेम थिंग, सो यू डोंट एनकरेज स्टूडेंट्स, यू डोंट एनकरेज पीपल टू ऐड वैल्यू टू व्हाट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. कोई एक टास्क है, असेसमेंट है, कोई असाइनमेंट है, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है, कोई प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशंस कुड बी हाईली क्रिएटिव. आप वही प्रेजेंटेशन को आप पावर पॉइंट पे बना के और प्रेजेंट करते हैं, एंड यू कीप ऑन डूइंग इट बिकॉज यू बिलीव दैट्स अ स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग इट. तो यहाँ पे फिर काम आता है फैकल्टी का और टीचर्स का और इंस्टीट्यूट्स का, कि वो इनकरेज करें स्टूडेंट्स को कि आपने इसमें इनोवेशन क्या किया, व्हाट एक्स्ट्रा हैव यू डन. वो जो एक्स्ट्रा होता है, वो जिसको हम कहते हैं कि एक बड़ी कॉल इट द एडिशनल द वैल्यूएबल थिंग, वो जो एक दैट इज द रिक्वायरमेंट. तो वो अगर इनकरेज किया जाए फ्रॉम द स्टडीज परस्पेक्टिव, जो अभी दानियल कह रहे थे ही वॉज राइट, जब तक स्टूडेंट्स को दिस इज बेसिकली, जैसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप इज बेसिकली अ माइंडसेट, इट इज द नेम ऑफ द एटीट्यूड. एक माइंडसेट है, एक एटीट्यूड है जो आपका या होता है या नहीं. सो ये चीज इंकरेज करनी चाहिए एकेडमिक्स में, और उनको कोई भी काम जो आप नॉर्मल वे में कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में जॉब्स में हो सकता है आपको वो चांसेस ना मिले. एट टाइम्स व्हेन यू ज्वाइन अ वेरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, so you are a small part of that big organization, so you are required to just do what you are told to do. Yahan pe studies mein unko encourage karna chahiye ki all those ideas, all those creative ideas, maybe wo shayad practical kisi had tak acceptable ho ya na ho, lekin unko wo idea generate karna kam se kam unko aana chahiye, and they need to keep on experimenting with things. Yahan pe encourage karna bahut zaruri hai, that is the value addition. और वहीं से इनोवेशन आएगा, बिकॉज ये माइंडसेट बन जाता है स्टूडेंट्स का, दिस बिकम्स देयर एटीट्यूड टू कीप ऑन एडिंग टू व्हाट द एक्चुअल प्रोडक्ट फीचर्स आर, एंड दैट वुड लीड टू इनोवेशन. सर दैट्स अ वेरी गुड आंसर. बेसिकली सर जो मुझे अभी तक समझ आया है, इट्स इफ यू डू द सेम थिंग यू आर जस्ट रेप्लिकेटिंग द प्रीवियस डे वर्क, बट इफ यू डू समथिंग न्यू और समथिंग क्रिएटिव, you are basically finding a new way of doing it and absolutely. A new way of doing the process. So mujhe to ye samajh aaya ki rather than just universities, rather than teaching the same subject again and again and passing out the same students, they should teach them new degrees, new advanced degrees, new advanced skills, so that when they come out they are creators, they are innovators, and they are not on and they become new people in the market. सिर्फ एक चीज आई वुड लाइक टू ऐड ओवर देयर, देखिए नई चीजें जरूर सिखाएं, नए स्किल्स भी सिखाने जरूरी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बुक को भी नया एडिशन आने में 3-4 साल लग जाते हैं. तो आपको ये जरूरी नहीं कि नया चीज सिखाएं, इम्पोर्टेंट ये है कि नए तरीके से सिखाएं. चीज तो वही है, इट्स द सेम बुक, सेम कॉन्टेंट, सेम कोर्स,
विच इज एवरीवेयर. कोई बुक आप पढ़ रहे होंगे तकरीबन मोर लेस सारी यूनिवर्सिटीज की, किसी भी सब्जेक्ट की, पोस्ट ग्रेजुएट पे, अंडर ग्रेजुएट पे. इम्पोर्टेंट ये है कि वट न्यू वेज आर यू डूइंग थिंग. यही एक टीचर जब मैं एक टीचर हूँ, अगर मैं रोज क्लास में आके सिर्फ एक ही स्टाइल से वो बोर्ड पे लिख रहा हूँ या पावर पॉइंट यूज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं स्टूडेंट्स को भी इंप्रेशन दे रहा हूँ कि देयर इज ओनली वन वे ऑफ डूइंग इट एंड व्हिच आई एम डूइंग दैट. सो देयर कुड बी मोर देन वन वेज. आप इंटरेक्टिव एक्टिविटीज करवाएं, आई मीन एनकरेज देम टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स, एनकरेज देम टू कम अप विद न्यू आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज, और उस तरीके से अपनी उसको करें, प्रेजेंट करें, और टीचर्स को इनकरेज करना चाहिए. बिकॉज यही वो माइंड सेट बनता है, इसी से वो कॉन्फिडेंस आएगा कि वो व्हेन दे गो ऑन जॉब या जब वो अपना भी काम स्टार्ट करते हैं, दे वुड बी एबल टू टेक steps which lead to confidence and which involve new ways of doing the same old thing. Thank you, sir. That was a very good answer, sir. I think ye bahut ek acha answer tha, and that is very understandable. I have one question, another question for Sir Danal from the industry side. Since sir, aapne pehle bataya hai that you are using the same tools and you're giving out services. So my next question is that how do you stand out from your competitors in the industry? ये हम students को कैसे बताएं और आप कैसे उनको बताएं, क्योंकि वो भी obviously they're sitting on the computer doing the same stuff, they're doing the same SEO work and they're doing the same posting on Facebook or they're doing the same digital content. So how does your service become different from the other competitor who's giving the same service? Actually, this question could have multiple answers. Competitors ke saath competition is an ongoing process. At times, a competitor prefers a smaller company just based on a positive attitude. Yeah, just motive ke saath wapsi connected hai. They feel comfortable. Wo sirf honesty, loyalty, hard work, isi pe hi aapke saath they prefer to continue with you. मोर ऑर लेस स्किल्स का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता इन द मार्केट. जो कमर्शियल स्केल पे कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, आई वुड से मोस्ट ऑफ देम आर वेरी प्रोफेशनल, बट द एटीट्यूड, द वे यू डील योर कस्टमर्स एंड द वे यू आर कनेक्टेड टू देम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ वेयर अ कंपनी इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम मे बी अ फ्रीलांस पर्सन. दूसरा, मैं आई वुड लाइक टू ऐड अनदर थिंग. जो एंटरप्रेन्योरशिप में जब मैं somebody is, you know, अभी इंडिविजुअल के आगे तीन कैरियर पाथ्स हैं, मैं जॉब करूं, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, और या मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई सर्विस देना शुरू कर, आई कॉल इट फ्रीलांसिंग ऑनलाइन या इंडिविजुअल कैपेसिटी. उसमें जो एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट जो सर गौर अभी बता रहे थे, वो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ माइंडसेट. और वो जो इंडिविजुअल फ्रीलांस में डिफरेंस माइंडसेट का ही है. इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर वुड रीथिंक एंड रीथिंक कि मैं ये टोटल रेवेन्यू अपनी पॉकेट्स में रखूं और सारी काम खुद करूं. एंटरप्रेन्योर आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सक्सेस, वो ये चाहेगा कि मैं इसको एलोकेट करूं एंड आई मूव ऑन, मैं थोड़ा अपवर्ड स्केल करूं, आई इन्वेस्ट माई टाइम एनर्जी इन गेटिंग मोर क्लाइंट्स, और ये काम मैं एलोकेट कर लूँ, आई शुड हायर अ टीम बिजनेसेस में भी. इसलिए आप देखेंगे वो बिजनेसेस ज़्यादा ग्रो किए हैं लोकली एंड ग्लोबली भी, जो जिसमें ये माइंडसेट ज़्यादा था, वरना वो एक ब्रांच, एक आउटलेट, दो आउटलेट सब रहते हैं. पीपल हु हैव दिस स्किल सेट और कॉन्फिडेंस के नहीं, मैं अपना रेवेन्यू हाफ नीचे भी बांट दूँ कोई मसला नहीं, मेरी टीम स्ट्रांग होगी, मुझे रिप्लेस करेगी, मुझे अपनी रिप्लेसमेंट चाहिए अपने बिजनेस में, तो वी क्लाइम द लैडर मोर क्विकली. तो ये माइंडसेट और ये एटीट्यूड कम्स विद टाइम. दूसरा प्लीज क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा. आई जस्ट थोड़ा समझ नहीं आ रहा. सर नो प्रॉब्लम सर, बेसिकली माय क्वेश्चन वाज के हाउ डू यू स्टैंड आउट डिफरेंट फ्रॉम योर कंपेटिटर्स सिंस यू आर गिविंग द सेम सर्विस. इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगा. सिंस वी आर एन एजेंसी जो क्रिएटिव से डिजिटल में कन्वर्ट हुई है, वी हैव नॉट एक्चुअली स्टॉप्ड ऑफरिंग द क्रिएटिव सर्विसेज. सो टू कस्टमर्स हु वी आर वर्किंग विद, उनको हमारे उस क्रिएटिव बैकग्राउंड, पोर्टफोलियो और सर्विसेज से बहुत ज्यादा इश मिलता है. People are only working with us in a digital capacity. उनको जब हम अपनी क्रिएटिव पास्ट रेज्यूमे की और सर्विसेज को अभी करंट टेबल पे ऑफर करते हैं, तो यू डोंट हैव टू एक्चुअली गो टू अनदर कंपनी और ग्रुप, उनको वन विंडो मिल जाता है क्रिएटिव एंड डिजिटल. मैंने आपको सबसे पहले कहा था
कि प्रीवियसली दीज टू एजेंसीज सपोज टू बी डिफरेंट बट एट दिस पॉइंट ये बड़ी जल्दी इवॉल्व हो रही हैं, क्रिएटिव डिजिटल बन रही हैं, डिजिटल क्रिएटिव बन रही हैं, तो हमें इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एज मिलता है क्योंकि हमारे जो ब्रांडिंग गाइडलाइंस या ब्रांडिंग कंसल्टेंसी का पास्ट एक्सपीरियंस है दैट रियली हेल्प्स अस इन एक्चुअली डूइंग डिजिटल मार्केटिंग इन अ मच मोर बेटर वे. हमारे विजुअल्स में देयर इज अ कंसिस्टेंसी. A creative agency always knows कि सबसे पहले brand guidelines बनानी, जो brand की logo के placement की rules हैं, जो font families आपने use करनी हैं in your campaigns, जो आपने color palettes apply कर रहे हैं, they should be consistent everywhere, web पे, social media पे, print media पे, उनकी consistency होनी चाहिए. ये ना हो कि social media पे जो agency काम कर रही है वो एक अपनी direction में जा रही है, creative एक अपनी direction में जा रही है. A lot of digital agencies in the present era, especially new ones, they are unaware of such concepts. In larger companies, puri branding guidelines hoti hain, itni itni badi books hoti hain, you can't deviate from that. That is the reason there is a consistency in their advertising campaigns, in their digital campaigns. Wo consistency brand recognition build karti hai over the time. So I think I would call it as a unique selling point. Yeah. What sets us apart from our competitors? Okay, so that means, sir, that basically, मेरा एक इसमें एक question एक बीच में आ गया कि there's also a very different mindset that multinational should be preferred rather than homegrown companies. अब मेरा क्योंकि question was from different was question के what are you giving different from your competitor? तो एक ये चीज भी आ जाती है कि होम ग्रोन कंपनीज जो हैं, जो हमारी अपनी हैं, जो पाकिस्तानी ओन्ड है, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स ने बनाई है उनका, और मल्टीनेशनल्स जो बाहर से आई हुई है, उनके बीच में हम क्या डिफरेंट चीज ऐसी दे सकते हैं या प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो जो नहीं दे रहे. एक ये मेरा एक बेसिकली इससे मुझे अभी एक क्वेश्चन ये दिमाग में आया, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि इंडस्ट्री में मैंने ये दो तरह की देखी है एजेंसीज, इधर दे आर रियली मल्टीनेशनल्स और दे आर होम ग्रोन. Basically, the thing that the clients need to understand is dono mein humans kaam kar rahe hain, supernatural aliens nahi hai foreign agency, aur locals hai, local people working on both the agencies. And the second thing that a brand needs to understand is ek larger agency pe bhi there is a certain group of people who is allocated to their account. Agar ek badi agency mein there are 100 people और एक स्टूडेंट का स्टार्टअप है उसमें 10 लोग हैं या 5 लोग हैं, तो 200 पीपल वोंट बी वर्किंग, नॉट एवरी सिंगल पर्सन वुड बी यू नो वर्किंग ऑन दैट सिंगल अकाउंट. एक्स वाई जेड एमएनसी को वो मल्टीनेशनल एजेंसी के अपने पूरे रिसोर्सेज तो नहीं एलोकेट करेगी, 3, 4, 5, 6 मैक्स इतने ही करेगी. स्मॉलर एजेंसी भी यही करेगी. स्मॉलर एजेंसी में दूसरा एज ये होगा कि ओनर टू मैनेजर टू ओनर कोऑर्डिनेशन हो. जो स्टूडेंट अपनी एजेंसी रन कर रहा है वो स्टूडेंट इन द कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर कई प्रिविलेजेस ऑफर कर सकता है, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री भी ऑफर कर सकता है, एक्स्ट्रा माइल भी जा सकता है. बट लार्जर एजेंसीज दे फॉलो द गाइडलाइंस, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दे कांट डिविएट फ्रॉम. आई थिंक बिग एमएनसीज शुड प्रेफर इवन होम ग्रोन, और कर रहे हैं, ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका हुआ है. Apart from the big 5-10 groups, dusri bahut sari MNCs bhi local brands ko try karna shuru kiye hain, service providers, and they are doing pretty good. Bahut se aapke main us tarah se naam nahi leta, but jo aap kai dafa kuch TVCs dekhte hain and you get really impressed ki yaar ye idea bahut acha tha, conventional ad nahi tha. Bahut se unme se local domestic companies banaye. Okay. That's a good thing towards progression hai economy ki hamari mulk ki. That's a good sign, that's a positive sign. Aur sir Gaur, I have the same question for you in a different sense ke since this was a question from the industry, my question is from the academics, that how could we differentiate our students in getting really good skills ya good क्या उसे कहते हैं थॉट प्रोसेस, सो दैट व्हेन दे गो इनटू द मार्केट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर ग्रेजुएट्स. क्योंकि सर वी आर आल्सो टीचिंग बीबीए स्टूडेंट्स एंड वी आर आल्सो टीचिंग अदर स्टूडेंट्स, तो एकेडेमिया के साइड में हमारे स्टूडेंट्स कैसे स्टैंड आउट करेंगे?
It's a very simple answer. ये वही चीज़ है जो हम the other time we were talking. किसी भी learning के तीन domains होते हैं. कोई भी whenever you're learning कुछ भी सीख रहे हो आप, चाहे वो formal education में है या non formal में या informal में सीख रहे हैं, तो जो तीन learning के domains हैं they remain there. Knowledge, skills and attitude. तो मुझे जो लगता है वो तीनों चीज़ें are equally important. अभी तक हमारा जो conventional system of education है, चाहे वो BBA हो या MBA हो या बहुत सारी और चीज़ें भी, वो नॉलेज ओरिएंटेड है. तो माइंड में टीचर के ये होता है कि मैंने नॉलेज देनी है, ये 36 लेक्चर्स हैं या 30 लेक्चर्स हैं और एक सेमेस्टर है और मैंने ये बुक है और इसके इतने चैप्टर्स हैं, आई जस्ट हैव टू गिव देम द नॉलेज, विच इज़ गुड, विच इज़ फाइन, वो होना ज़रूरी है. लेकिन द अदर टू डायमेंशंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिसमें स्किल्स और एटीट्यूड. जो अभी पूरी बात करें डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की, व्हेन यू टॉक अबाउट डिजिटल इट इज़ स्किल्स ओरिएंटेड, और जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो दिस इज attitude. So knowledge इन दोनों में चाहिए. तीनों domains जब आप cover करेंगे तो आपके students, कोई भी, मैं students को भी ये कहूँगा, even सिर्फ teachers को नहीं, क्योंकि आज के दौर में, आज के time में अपनी जो education है या जो अपने आप को upgrade करना है, वो हर individual की अपनी एक responsibility है. Even at मैं I'm sometimes surprised यहाँ पे पाकिस्तान में, जब मैं England से compare करता हूँ अपने time को, तो वहाँ पे हमारे जब अप्रेजल्स हुआ करते थे तो दैट वाज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मुझे याद है वहाँ पे अप्रेजल के टाइम पे कि एचआर पीपल वुड कम एंड दे वुड आस्क अस कि बताएं आपने एक साल में अपने आप को अपग्रेड कितना किया, क्या सीखा है आपने, व्हाट न्यू हैव यू लर्न, व्हाट एक्स्ट्रा स्किल्स हैव यू लर्न जो आपको इस जॉब में या अदरवाइज यहाँ पे हमें हमारे काम के हैं. यहाँ पे हमारा एटीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट, यहाँ पे ये लगता है कि इट्स द एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हम शुरू से हमारा सिस्टम जो है वो एजुकेशन का वो इस किस्म का है कि वो आपको सेल्फ इंडिपेंडेंसी की तरफ नहीं लेके जाते, वो आपको ये बता रहा होता है कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें लेके चलना है. और यही चीज स्टूडेंट जब जॉब में चले जाते हैं तब भी उनका माइंडसेट यही होता है कि हमारी अगर डेवलपमेंट होनी है तो हमारे एम्प्लॉयर ने करना है, अगर हमने कुछ नया सीखना है, कुछ नया अपने आप को डेवलप करना है, तो दैट इज द जॉब ऑफ द एम्प्लॉयर, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, जस्ट रॉन्ग. अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं, मौका हो सकता है, फोरम्स हो सकते हैं, बट यू कंटिन्यू टू अपग्रेड योरसेल्फ, दैट वुड मेक यू अ वैल्यूएबल पर्सन इंडस्ट्री के लिए, जॉब्स के लिए, अपने काम के लिए. आपको आइडियाज तब मिलते हैं जब अपने आप को अपग्रेड करते हैं. देखिए आपके जितने बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं, BBS की बात कर लें, MBS की, सबने एक ही कॉन्टेंट पढ़ा होता है, सबने वही बुक्स पढ़ी होती है, टीचर भी वही होते हैं. लेकिन जो लोग ज़्यादा ब्राइट होते हैं वो तभी होते हैं जब उनके उनके अंदर ये एक ड्राइव हो कि वी हैव एन आइडिया इन आवर माइंड एंड वी हैव टू वर्क ऑन इट एंड वी कैन डू इट. वो जो कैन डू एटीट्यूड है, वो जो कॉन्फिडेंस है, वो टीचर ज़रूर दे सकता है, उनको इनकरेज कर सकता है, लेकिन आइडिया के ऊपर वो जो एक ये जंग तो आपकी अपनी है, यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ. ये स्टूडेंट्स में इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है. जब तक हम अपने यंग अपने यूथ को उनमें ये सेल्फ एफिकेसी कह लें आप उसको, या उसको कॉन्फिडेंस कह लें, जब तक वो क्रिएट नहीं करेंगे कि वो खुद से कर सकते हैं, तब तक यू नो ये एक टीचर लेड एनवायरनमेंट रहेगा कि हर दफ़ा हम क्लास में बैठे हुए हैं एंड आई डोंट लाइक द वे जब स्टूडेंट्स टीचर्स का वेट कर रहे हो क्लास में बैठे एंड जस्ट वेटिंग फॉर द टीचर टू कम एंड देन दे विल स्टडी. ये एटीट्यूड ही अजीब है. ये वाला टीचर इज ओनली वन रिसोर्स, आपके मल्टी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. टीचर इज ओनली वन रिसोर्स, टेक्स्ट बुक इज अनदर रिसोर्स, इंटरनेट इज अनदर रिसोर्स, प्रैक्टिकल फील्ड मार्केट इज अनदर रिसोर्स. तो आपको सिंगुलर अप्रोच के साथ अपने आप को ट्रेन नहीं करना. मैं दिस इज आई एम टॉकिंग टू द यंग पीपल हियर, किसी भी फील्ड के हों, BBA के हों, आर्ट एंड डिजाइन के हों, साइंसेज के हों, अप्लाइड साइंसेज के, साइकोलॉजी, कोई भी एरिया हो, अपने आप को रिसोर्सफुल खुद बनाना. टीचर्स आपको गाइड, अगर अच्छे टीचर्स आपको मिल जाते हैं तो ये वेरी लकी, वो आपको गाइड कर सकते हैं, वो आपको डायरेक्शन देते हैं, लेकिन अपनी अपनी ट्रेनिंग, अपनी अपने स्किल्स की अपग्रेडेशन वो आपको खुद करनी है. वो एक इंडिपेंडेंस अप्रोच बहुत जरूरी चाहिए. द वे वी डू इट, हम इनकरेज करते हैं यहाँ पे, जब स्टूडेंट्स जाते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए तो वी इनकरेज स्टूडेंट्स टू गो ऑन देयर ओन, टू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑन देयर ओन, टू नेगोशिएट विद दी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे वो जाके रिसर्च कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, ये सब कुछ कॉन्फिडेंस देता है एंड दे लर्न दिस थिंग. थैंक यू सर. सर बेसिकली सर ये बात आपकी सर बहुत यानी कि
true hai, it's quite true, kyunki even my experience as a program manager, what I have seen that as a teacher I have taught everything, as a mentor I have taught everything to my student, that is knowledge. So uske alawa wo kya cheez khud apni develop karta hai self development se, that is his skills, his new skills. Or rather than pushing him, we're trying him to pull himself out of the pit and come out as a successful person. Or the last thing is that is the attitude. So attitude is, I think, quite important. Because we as teachers, we don't want everyone to be finger pick. Kya aap chale ye kaam karein, ye business karein, ye idea sochein. We want them to think. Or jab tak unka apna attitude nahi hoga na, ke wo khud strive nahi karenge. अच्छी चीज सोचने के लिए, बेहतर चीज सोचने के लिए या काम बेहतर करने के लिए, तो वो तीनों चीजें कर नहीं सकेंगे. तो सर दैट इज क्वाइट यानी कि पॉसिबल एंड क्वाइट ट्रू इन द सेंस, दिस इज माय ओपिनियन एज अ टीचर टू. आई एम सॉरी हमजा, आपको पुश करना पड़ेगा. अभी जो सिचुएशन है वही आइडियल सिचुएशन है जो मैं बात कर रहा हूं. दिस इज एन आइडियल सिचुएशन वेयर स्टूडेंट्स दे नो, पूरी दुनिया में बाहर जो होता है उनको पता होता है, जीसी कर लिया उसके बाद उनको पता है कि दे हैव टू फाइनेंस देयर डिग्री, लोन लेना है, कुछ भी करना है, और उन्होंने काम भी करना है और उन्होंने पढ़ना है. इट्स अ नोन फैक्ट. यहाँ पे चूंकि इट्स अभी सिस्टम वो नहीं है, तो हमें पुश करना पड़ेगा. हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि स्टूडेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है कि वो खुद करें. अभी हमें उनको पुश करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा टाइम एंड अगेन दैट दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ द जॉब. और अगर कोई भी इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स में, कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट्स में जितनी भी अच्छी नॉलेज हो, अगर वो स्किल्स नहीं दे रहे हैं, ये स्किल्स हैं जो आप डिजिटल सारी बात कर रहे हैं, दिस इज ऑल स्किल, ये स्किल्स उनके पास नहीं है, और अगर वो राइट एटीट्यूड भी डेवलप नहीं करते तो वो कभी भी वो हाई परफॉर्मिंग नहीं होंगे, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं कर सकते. तो आपको शुरू में कुछ करना पड़ेगा. पर एक बात और, जब आप बात करते हैं नॉलेज स्किल एटीट्यूड की, विद द पैसेज ऑफ टाइम 4 ईयर्स के प्रोग्राम में इसकी जो प्रोपोजिशन है वो होती है ऐसे कि फर्स्ट ईयर इज मोर ऑफ नॉलेज. आपको शुरू में उनकी बेस बनानी है. तो द फर्स्ट ईयर इज यूजुअली मोर ऑफ आपके बेसिक सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स हैं, पता ही नहीं होता टीवीए से पहले कुछ लोगों को. तो यू गॉट टू टेल देम कि क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, क्या थीम्स हैं, क्या बेसिक्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं. वंस देयर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, तो फिर आप उनको पुश करते हैं सेकेंड ईयर से आहिस्ता आहिस्ता स्किल्स की तरफ. अब यहाँ पे हम, ये हमारे जनरल बीबीए में मैंने देखा, अच्छे जो बीबीए हैं वहाँ पर हमने जो किया यहाँ पे, आप यू आर विटनेस ऑफ इट, वो ये कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर, चाहे वो करिकुलम का पार्ट था या नहीं था, यूनिवर्सिटी का एजीसी का जो कंटेंट है, वी लाइफ स्किल्स के नाम से वी स्टार्टेड अप विद पीपल. और उसमें भी द इजीएस्ट पार्ट वाज इन द फर्स्ट सेमेस्टर, बेसिक्स, कम्युनिकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, इट विल कीप ऑन डूइंग इट, प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपके क्रिएटिव, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, आइडियाज जनरेट कैसे करते हैं. और फिर उसके साथ साथ आगे आगे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर में ये सब चीज़ें ऐड हो जाएंगी, जिसमें उनके डिजिटल स्किल्स कैसे हैं. डिजाइन सॉफ्टवेयर, मैं हमेशा कहता हूँ हमारे यहाँ पे एक हाइब्रिड ये कहा जाता है कि जैसे अभी दानियाल ने भी शुरू में कहा कि अब चीज़ें बदल रही हैं, तो वी ऑलवेज थॉट कि ये एक डिज़ाइनर का काम है सॉफ्टवेयर का पता होना. मार्केटिंग के लोगों को, मैनेजमेंट के बल्कि आपके लोगों को, उनको बेसिक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है इन सॉफ्टवेयर के, डिजिटल स्किल्स हैं, काम करना आना चाहिए. तो वो अब चीज़ उनके फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में वो डेवलप होता है. लेकिन टुवर्ड्स द एंड, देखिए हमने स्टार्ट किया नॉलेज से, जब तक आठवां सेमेस्टर आता है तो आपका अगर शुरू में प्रोपोर्शन था 80-20 का, 80% ऑफ नॉलेज एंड 20% बिटवीन स्किल्स एंड एटीट्यूड, तो लास्ट सेमेस्टर में वो बिल्कुल रिवर्स हो चुका हो. लास्ट सेमेस्टर में सिर्फ 20% आपकी नॉलेज होती है लास्ट ईयर में बल्कि, और बाकी 80% जो है वो आइडियली जो होना चाहिए वो स्किल्स ओरिएंटेड होना चाहिए और एटीट्यूड बिल्ड होना चाहिए उन सारे एक्टिविटीज में जो. और यही रीजन है कि जब आपके लास्ट सेमेस्टर में फॉर एग्जाम्पल आप थीसिस या डिसर्टेशंस करते हैं या आप इंटर्नशिप करते हैं उसमें, तो वो सारा जो आपने सीखा होता है यू ट्राई टू रिफ्लेक्ट व्हाट यू हैव लर्न. हम ये गलती नहीं करनी चाहिए हमें कि हम सब कुछ उनको सिखाएं और फिर हम इंडस्ट्री के पास भेज दें कि वो देखें कि उन्होंने सीखा या नहीं सीखा. ये इंस्टीट्यूशन का काम, बीबीए जॉफर उनका काम होना चाहिए कि 4 ईयर्स में सिर्फ सिखाना काफी नहीं है, सिखाने के साथ साथ उनको अपॉर्चुनिटीज दें कि वो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें और बताएं कि उन्होंने कितना सीखे, कैसा सीखे, ताकि इफ देयर इज एनीथिंग दैट नीड्स टू बी करेक्टेड उसको करेक्ट करने का मौका मिले. इंडस्ट्री के पास जब आपका प्रोडक्ट जाता है, आई मीन लिटिल रूड टू से बट क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स होते हैं स्टूडेंट, तो हम प्रोडक्ट ही कहते हैं,
जब वो प्रोडक्ट जाता है इंडस्ट्री के पास और अगर वो उनकी पसंद का नहीं है या उनमें उनको फीचर्स नजर नहीं आ रहे जो वो चाहते हैं तो वो यूजलेस है। इसलिए ये काम कॉलेज टाइम का होता है, यूनिवर्सिटी टाइम का होता है, 4 साल का जो बीबीए, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। ये मैं आपको आई टीच इन लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज, बहुत मैंने नहीं देखा ये चीज। एक सेमेस्टर का एक प्लान होता है, ये सब्जेक्ट है, ये टीचर है, पर मैं हमेशा चाहता हूँ कि फैकल्टी से कोई टीचर से कुछ पूछे, उसकी इनपुट ले कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेमेस्टर, आपको क्या लगता है कि क्या मजीद चीजें इम्प्रूव होनी चाहिए और हाउ टू बी मैकेनिज्म्स कैसे इम्प्रूव हो। इट्स बेसिकली मॉनिटरिंग, जितना कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग आज के टाइम में, ये दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, आज के टाइम में जितना आपकी मॉनिटरिंग बेहतर होती है उतनी ही चीजें आपकी बेहतर होती है। इट्स ऑल अबाउट मॉनिटरिंग हर लिहाज से। एवरी टीचर इज अ क्वालिफाइड टीचर, सब टीचर्स को पता होता है वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ये काम इंस्टीट्यूशंस का होता है कि उनको बार 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 टाइम एंड अगेन बताया जाए कि दिस इज व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ द सेमेस्टर, या आपका कोर सिर्फ कंटेंट कवर करवाना नहीं है। हमने टीचर को ये एक बता दिया है कि आपने कंटेंट कवर करवाना, कंटेंट कवर करवाना काफी नहीं है, उसके साथ साथ उसकी एप्लीकेशन करवाई जाए जिसको हम स्किल्स कहते हैं, और किस तरीके से अप्लाई करें जो एटीट्यूड। तो नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, तीनों चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की भी है, स्टूडेंट्स की भी है और इंस्टीट्यूट्स की भी है। Thank you, sir. That was a very detailed description, and सारा कुछ बिल्कुल सर सच है और सारा कुछ बिल्कुल समझ सबके आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये बात, और दैट इज थैंक यू सर, दैट इज वेरी गुड, क्योंकि मुझे भी अब समझ आ रही है कि ये कहाँ का दे सम डॉट्स जो थे जो अब कनेक्ट हो गए हैं, जो मुझे भी हेल्प करते, क्योंकि लर्निंग इज अ प्रोसेस, मैं भी आहिस्ता आहिस्ता सीखता जा रहा हूँ साथ साथ, इट्स नॉट लाइक कि मैं सारा कुछ सीख कर आया हूँ, आई एम ऑल्सो लर्निंग इन द प्रोग्रेस। थैंक यू सर। So last question is from Aisha. Thank you, Hamza. Daniel, मेरा आपसे question है, आपकी so far journey में कोई ऐसी mistake आपसे हुई हो professional life में जिसे आपने बहुत सीखा? आपको explain करता हूँ। सबसे सुबह कहूँगा मैं एक दफा बहुत एक successful businessman के साथ बैठा हुआ था, he's a good friend, very successful businessman, very rich. He told me कि तुमने मुझसे सवाल पूछा कि आपने बिजनेस इनहेरिट किया है अपने फादर से, मैं कहा नहीं, आपके फादर बिजनेसमैन थे, आई सेड नो, ही वाज अ सिविल सर्वेंट। अच्छा, उसने कहा कि इट विल टेक यू 10 इयर्स टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट योर बिजनेस इज, और उसके बाद तुम्हारी डायरेक्शन क्लियर होगी। 10 साल का लर्निंग कर रहे हैं, उसके बाद तुम्हें अपनी इंडस्ट्री की समझ आएगी, सर 100% समझ आएगी, उसके बाद यू विल अपनी आप सेल्फ नेविगेशन सही करोगे कि मैंने अब इस डायरेक्शन में भागना है। गलतियां तो बहुत हैं, न्यूमरस मिस्टेक्स, मल्टीपल गलतियां आज भी होती हैं, एवरी डे इज अ न्यू डे, इट ब्रिंग्स न्यू एक्सपीरियंसेस एंड न्यू लर्निंग, मतलब जो प्रैक्टिकली आप सीखते हैं मिस्टेक्स करके, कई दफ़ा वो सेल स्ट्रेटजी में गलती होती है, कई दफ़ा वो डॉक्यूमेंटेशन में गलती हो जाती है, क्लाइंट आपने जो सोचा होता है क्लाइंट उस लेवल पे ऑन बोर्ड नहीं होता, आपको साथ साथ इसको यू हैव टू टेक हिम अलोंग विद यू, ताकि आफ्टर अ मंथ और मे बी अ फ्यू मंथ्स वो नाराज ना हो, या उसको ये ना लगे कि ये इनिशियल डिस्कशन के मुताबिक या इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक चीजें नहीं चल। अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस एचआर रिलेटेड, हमारी फील्ड में रिटेंशन इज नॉट एज गुड एज अदर एरियाज, पीपल स्विच वेरी रैपिडली, तो वी हैव ऑलवेज नीड टू बी विजिलेंट, और हमें बहुत प्रिपेयर रहना पड़ता है कि इफ दिस इम्पॉर्टेंट रिसोर्स लीव्स, सो वी ऑलवेज हैव अ बैकअप जिसको हम ट्रेन कर रहे होते हैं। सबसे जो बड़ा एक्सपीरियंस या लर्निंग, गलती मैं कहूँगा, गलती तो नहीं कहना चाहिए, आई लर्न विद टाइम, वो ये है कि स्टूडेंट्स शुड नॉट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, दे शुड पिक वन और टू एरियाज, एंड सब सुन सकते हैं हमजा, कैन यू लिसन? जी सर, वो थोड़ी डिस्टॉर्शन हुई थी लेकिन सर अब आवाज आ रही है। ओके, तो सर सबसे बड़ी मैं करियर काउंसलिंग कहूंगा कि आप फोकस्ड रहें, अगर आप, क्योंकि मार्केटिंग इज अ ह्यूज ह्यूज फील्ड, यू कांट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड, डिजिटल मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा ओशन है, यू कांट बी, मतलब सब पे आप टॉप पे नहीं आ सकते,
even I would suggest agar ek photographer bhi hai, he has to be a specialist. A specialist fashion photographer, a specialist product photographer. Tabhi, in that regard, you will get recognition from the brands or from the companies. So, aapko apne area mein kaam karna hai, multidisciplinary. शुरू में जो भी एजेंसी खोलता है, he says we are a 360 degree media agency. हम ये भी ऑफर कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, प्रिंटिंग भी कर रहे हैं, हम ये भी करते हैं, हम फ्लेक्स भी लगाते हैं, हम एक्सपोज में स्टॉल भी फैब्रिकेट कर देते हैं. It's not doable, but आपका जब तक फोकस नहीं होगा, आप उसमें ग्रो नहीं कर सकते उस फील्ड में. सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन कि वो कुछ सर्टन एरियाज पिक करें और उसके स्पेशलिस्ट बने. थैंक यू दानियाल. इसका मतलब ये है कि मिस्टेक्स तो डेली बेसिस पे होती हैं और इसी से हमने सीखना भी होता है और वही टर्निंग पॉइंट होता है हमारा. थैंक यू दानियाल. मिस्टर गौर भी ज़्यादा आपसे यही क्वेश्चन है सेम कि कोई ऐसी मिस्टेक जो प्रोफेशनली हुई भी और उससे आपने सीखा और आपको मतलब पूरी एक टर्निंग पॉइंट था आपके लिए. आप मेरी बात करें जी, मुझसे पूछ जी. मिस्टेक्स तो आई थिंक मिस्टेक्स इज द बेस्ट पार्ट, the best way of learning. आपको mistakes करनी चाहिए, mistakes होनी चाहिए. mistakes वही करते हैं जो initiate करते हैं, जो initiative लेते हैं. लेकिन what is important is कि आप अपनी mistakes से सीखते कितने. The first time you do a mistake, that is fine. But the second time you do the same mistake would be वो आपकी फिर पता चलता है कि आप कितना उस पे से आपकी learning नहीं हो सकती. तो आप अपनी गलतियों से सीखते हैं. सबसे important ये है कि आपको मैं from the student perspective एक क्लियर विजन का होना बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है आपके पास एक क्लियर विजन हो कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 10 इयर्स में, 5 इयर्स में, डूइंग व्हाट, एट व्हाट पेस, एट व्हाट स्टेज, इन व्हाट बिजनेस, इन व्हाट सेक्टर. कोई भी अगर कोई किसी को एक टीचर या इंस्टीट्यूट अगर कोई किसी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा कुछ कर सकता है तो वो इसको वो विजन दे सकता है, वो कॉन्फिडेंस दे सकता है जिसके थ्रू वो अपना विजन देख सके. और बाकी प्रॉब्लम्स हर जगह पे होते हैं. हम लोग हमारे कल्चर में, सोसाइटी में थोड़ा सा पेसिमिज्म, कुछ हालात भी ऐसे ही हैं, अब तो बहुत बेहतर हुए थे जैसे भी हैं, लेकिन उसमें पेसिमिज्म की तरफ नहीं आना चाहिए. आपको पूरी दुनिया को देखना चाहिए. सॉरी, अगर आप सिर्फ एक स्पेसिफिक जिसे कहते हैं ना वो कुएं के मेंढक की तरह एक ही जगह पे रह के सोचेंगे और उसी से बाहर निकलना नहीं चाहेंगे, that's not going to work out. अब जैसे अभी आपका टॉपिक ये डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, अब मुझे बताएं कि क्या आप में हम में सब में क्या हम लोग ऑनलाइन परचेज नहीं कर सकते चीज़ें जो यूएसए में, यूरोप में, इंग्लैंड में और वहाँ बैठे हुए लोग यहाँ से भी कर सकते हैं. तो आपको एक अपनी या सर्विसेज जो दे रहे हैं, जो दानियाल भी बता रहे हैं, वो तो बहुत सारे पाकिस्तानी दे रहे हैं ऑलरेडी. हमारे क्लाइंट्स होते हैं बाहर के, जो आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए आप यहाँ पर काम कर रहे हो सॉफ्टवेयर की साइड पे, वेबसाइट्स की साइड पे. तो इसलिए पूरी दुनिया को लेके चले. ये मत सोचे कि ये प्रैक्टिस पाकिस्तान में है तो हमें यही लेके चले. ये आपको पुराना टाइम गुजर गया, वो टाइम कि मार्केट की प्रैक्टिस ये है तो ये चले. आपको देखना है दुनिया में प्रैक्टिस क्या है, व्हाट इज द ग्लोबल प्रैक्टिस अपने. और यही चीज इदारों के लिए भी, यही चीज इंस्टीट्यूशन के लिए भी, कि सिर्फ ये नहीं देखना आपने कि फैसलाबाद यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट ये है या HEC की रिक्वायरमेंट ये है तो आपने ये करवाना है. बनाए टीच मार्केटिंग या मैनेजमेंट या HR या कोई भी सब्जेक्ट, तो मेरे जिम्मे सिर्फ ये कभी भी नहीं होता कि ये इस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट. माइंड में ये होता है कि जब ये स्टूडेंट बाहर जाके इंडस्ट्री में जाएगा, काम कर रहा होगा इस फील्ड में, तो फिर क्या उसको जो उस वक्त पता होना चाहिए क्या मैं उसको बता रहा हूँ या नहीं बता. तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा. और अपनी गलतियाँ करें, गलतियों से सीखें. गलतियाँ दोबारा नहीं करनी चाहिए, रिपीट नहीं करनी चाहिए, कुछ सीखना चाहिए. राइट, थैंक यू सो मच. अभी आई वुड लाइक मिस्टर दानियाल कि आप हमारी यूथ को कोई मैसेज दें. यूथ को आई वुड से यंग कह रहा, आप यंग एक बंदे से कह रही यूथ को दें, उसको तो अभी यंग है. हमारे लिए मैसेज है, हम सब के लिए, हम सब के लिए सर. मेरी दानियाल सबके लिए, सबके लिए, यूथ के लिए भी एक ही मैसेज है कि नेवर इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटरशिप. क्योंकि नोबडी इज कंप्लीट, आपको लाइफ की हर स्टेज में यू नीड अ मेंटोर. तो स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो टीचर्स फैकल्टी के मिलेंगे सम वुड बी फ्रॉम रिसर्च बैकग्राउंड, कुछ जॉब मार्केट के लोग हो सकते हैं, अब वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस देंगे वाइल टीचिंग. कुछ
आपके फैकल्टी मेंबर्स में भी बिजनेस बैकग्राउंड के हों, तो देयर हैज टू बी, आपने जिस एरिया में जाना है उसका मेंटर आप पिक कर और उससे कनेक्टेड रहे, और इसकी इसकी इंपॉर्टेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इल्म का जो एक बहाव है वो चलता रहता है पूरी जिंदगी, नोबडी इज कंप्लीट, प्रॉफिट्स ने दोबारा आना नहीं है, वो कंप्लीट थे, वी आर इनकम्प्लीट, तो हमारा लर्निंग प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए कभी, और कोई नेविगेटर, कोई गाइडेंस आपको लाइफ में कभी ना कभी ज़रूरत होती है, हर इंसान को ज़रूरत होती है, आप स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों को भी एक सर्टेन पॉइंट पे मे बी डिप्रेशन में देखें, डिप्रेशन मीन्स यू हैव कोलैप्स्ड इमोशनली, आप कोलैप्स हो गए, तो मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, समबडी हु इज देयर टू गाइड यू इन टफ ऑफ द टाइम्स एंड बेस्ट ऑफ द टाइम्स. Listen, you, I totally Now, Mr. Gopi, Zada, आप हम सब के लिए कोई मैसेज दें? सॉरी थोड़ा सा प्लीज, आप मुझे आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है. व्हाट वाज द क्वेश्चन अगेन? आप जी जी, हम सब के लिए कोई मैसेज, हम सब के लिए कोई मैसेज. मैसेज मैसेज यही है कि खुश रहें और ऑप्टिमिस्टिक रहें, पॉजिटिव रहें, अपनी अपग्रेडेशन करें. यू योरसेल्फ आर द बिगेस्ट क्रिएटिव थिंग जो आप बना सकते हैं, जो अपनी पूरी लाइफ में आप एक चीज क्रिएट कर सकते हैं वो आपकी अपनी सेल्फ है. हम आमतौर पे दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो ये करें, वो ये करें, वो उसको ये होना चाहिए, उसकी बजाय अपने आप को देखें कि हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, और कभी भी आपकी लेटेस्ट वर्जन नहीं हो, द बेस्ट ऑफ यू इज डेफिनेटली इज कमिंग. जब आपको ये लगेगा कि आई हैव डन एवरीथिंग सो आई एम द बेस्ट नाउ, तो वही टाइम आपके फिर डिक्लाइन का टाइम स्टार्ट होगा. तो अपने आप को अपग्रेड करते रहें जितना अपग्रेड कर सकते हैं. एजुकेशन की, लर्निंग की, नॉलेज की, स्किल्स की कोई लिमिट नहीं है. कोई मैंने दो तीन मास्टर्स भी किए हैं, अभी भी एट द मोमेंट आई एम डूइंग दो तीन ऑनलाइन कोर्सेस. हालांकि दिखने में वो कोई ऐसा इतनी जरूरत भी नहीं है कि वो किया जाए, लेकिन अपने आप को अपग्रेड करें, ये अपग्रेडेशन बहुत जरूरी चाहिए. जब आप अपने आप की अपग्रेडेशन बंद कर देते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम्स वहां से आते हैं. सो अपनी एजुकेशन को, अपने करियर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें. डू नॉट रिलाई ऑन टीचर और इंस्टीट्यूशन. आपको 100% उनके ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए कि दे आर गोइंग टू प्रोवाइड, क्योंकि आप खुद इंडिपेंडेंटली चीज़ों को लेके चलें. और मैंने ऐसे पहले कहा है आपको कि हर चीज़ के लिए ग्लोबल प्रैक्टिसेस देखें. आज के दौर में स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जो आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले था. अगर किसी ने BBA करना है और उसको फाइनेंस में स्पेशलाइज करना है या मार्केटिंग में करना है या HR में करना है, तो बहुत क्लियर पता होना चाहिए स्टूडेंट को इन द फर्स्ट सेमेस्टर, ज्वाइन करने से पहले पता होना चाहिए कि किस किस्म की जॉब्स हैं, जॉब्स की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब रोल्स क्या है, एक्सपेक्ट क्या किया जाता है. गो ऑन गूगल, गो ऑन इंटरनेट, यू फाइंड आउट एवरीथिंग. सो अपनी इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन जो है वो अब हम कहते हैं ना इंफॉर्मेशन का टाइम है. सो इंफॉर्मेशन is all about knowledge economy. का मतलब क्या है कि आपको बताओ कि क्या चीजें होने जा रही है, and you get yourself prepared in advance for that. वो सबसे important है. और एक आखिरी सिर्फ चीज में I read it I think yesterday or day before, 21st century के जो चार उन्होंने highlight किए UNESCO ने कि skills हैं जो youth को बहुत जरूरी चाहिए, उनमें से मैं दो के ऊपर सिर्फ I will just say because आपका time कम है, एक communication और एक critical thinking. ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं. मुझे लगता है एट BBA लेवल, एट इवन एट किसी भी अंडर ग्रेजुएट जो भी पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. और यही वो दोनों चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में जनरली आई हैव अ फीलिंग कि ये हमारे स्टूडेंट्स की बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होती, इनके ऊपर काम होने की ज़रूरत है. Thank you so much, Mr. Gopi Zada, and thank you so much, Mr. Daniel. आज हमारा जो सेशन था उसका अब कंक्लूड करते हैं, और उसमें जो काफी सारी चीजें मुझे तो सीखने को मिली हैं. I really hope आप सब आप भी मैसेज दें, आप भी दें और हम सभी मैसेज दें यूथ को, कोई हम भी यूथ को देते हैं. मेरे लिए भी मैसेज दें और हम भी मैसेज दें. ठीक है, मेरी तरफ से तो जी मैसेज यही है कि पॉजिटिव रहें, और सबसे पहले ये कि अपनी नीयत साफ रखें किसी भी मामले में, किसी भी चीज़ में. आप तो जैसे सर ने भी बात की स्टार्ट में, और अभी फिर उन्होंने कहा कि अपना विजन क्लियर रखें. विजन क्लियर रखने के साथ साथ अपनी नीयत भी क्लियर रखें. दैट्स माय मैसेज. और इसके अलावा हमजा, आप कुछ मैसेज देना चाहें यूथ को? माय मैसेज फॉर द यूथ इज दैट
नंबर वन रिसर्च ऑन व्हाट यू वांट टू डू एंड स्टिक टू इट, क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम है बहुत जल्दी सब लोग डेविएट करते हैं कि ये चीज करें वो करें, वो बड़े पैसे कमा रहे हैं मैं वो पढ़ लूँ, वो ज्यादा कमा रहे हैं मैं वो पढ़ लूँ, तो दे डोंट स्टिक टू वन थिंग, क्योंकि उनको तब तक जब तक वो किसी चीज में स्टिक नहीं करेगा उनको पता नहीं चलेगा कि तो उसमें उस चीज ही में उस उनकी क्या स्किल्स हैं। कि फॉर इंस्टेंस अगर वो बीबीए लेते हैं और उनको बीबीए करने के बाद वो चलता है कि देर अ वेरी गुड मार्केटर, तो वो तो बीबीए इसी दे हैव टू स्टिक टू वन थिंग। जिसना सर ने कहा था कि विजन शुड बी डिफाइंड, विजन शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जब तक वो डिवीएट नहीं करेंगे तब तक वो फिर अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकेंगे और बेहतर उसमें कोई काम कर सकेंगे, सोच सकेंगे और उसमें तरक्की कर सकेंगे। मेरा तो यही मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद अस, और हमारे ऑनरेबल गेस्ट मिस्टर दानियाल थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड मिस्टर गोविंदा थैंक यू सो मच। ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट है हमारे साथ स्टे ट्यून्ड रहें और नेक्स्ट सेशन के लिए भी साथ अपडेट्स के लिए भी साथ-साथ आप रेडी रहें। थैंक यू सो मच। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, दानियाल को आपका टूरिज्म वाला वो भी चल रहा है या अभी आजकल? तो खैर सर अभी आजकल कोई क्लियर वर्डिक नहीं है फ्रॉम द गवर्नमेंट, small groups and families are going but commercial level pe Eid ke baad people are expecting ke wo open up obviously. I don't know aapko bataya hai nahi bataya ki Daniel is ye bhi bada zabardast ye karte hain, so hopefully after corona we will ask you to plan something for us. Never so great. Thank you so much Daniel. Thank you Aisha and Hamza. Thank you so much. Thank you sir. Thank you.